हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्रदीप नायक ब्लॉग। मैं आज आप लोग को दिखाने के लिए ले आया हूँ हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर हथिया बाबा श्री श्री हथिया बाबा धाम हथिया पत्थर पिछड़ी। काली माँ का मंदिर है। और यहाँ श्री श्री बजरंगबली मंदिर हथिया पत्थर धाम। देखिए उधर विवाह मंडप भी है। यही वो पत्थर है जो हथिया पत्थर के नाम से जाना जाता है, हथिया बाबा के नाम से जाना जाता है। सत्य घटना पर आधारित है। सतयुग में कोई राजा शादी विवाह करके रिटर्न लौट रहा था। उस समय नदी में पूरा पानी भरा हुआ था। सतयुग में इधर डैम नहीं हुआ करता था, उस समय का कहानी है। हाथी का आकार का है, इसी के नाम से हथिया पत्थर बोलते हैं। हथिया पत्थर कि क्या कहानी है जो सब शिला बन गया। सारा बाराती लोग राजा अपना बेटा का शादी करके लौट रहा था। उस समय नदी में पूरा पानी ही पानी था, पूरा भरा हुआ पानी था। तो राजा साहब बोले कि हे गंगा मैया, अगर सूख जाएगा पूरा तो हम काढ़ा देंगे, भेड़ा देंगे। भाई कुछ ही पल में नदी पूरा सूख गया, सारे बाराती पार होने लगे। और कुछ देर जाने के बाद राजा साहब अपना बात से मुकर गए, काढ़ा देंगे, भेड़ा देंगे, ठेंगा दिखा दिया। और ऐसा सतयुग क्या ही है कि तुरंत जितना भी बाराती हाथी घोड़े जितना भी थे सब शिला में परिवर्तित हो गए, पत्थर बन गए। सब जो जहाँ थे वहीं सिद्ध हो गए। शिला बन जाने के बाद वहाँ राजा साहब के यहाँ आकाशवाणी होता है कि राजा साहब अपना बात से मुकर गए हैं, इसलिए वहाँ पर सब शिला बन गया है। पूरा ध्यान से देखिए, पूरा एकदम ये हाथी का आकार का ही है। वो बहुत बड़ा विशाल हाथी हुआ करता था। इसका सूंड जो है
वो भी ये था टूट गया है, वो भी पानी के तेज बहाव रफ्तार के कारण वो भी ये हो गया है। कहा जाता है कि बरसात के दिन में जब पूरा पानी उफान भर जाता था तो रात को हाथी का आवाज़ सुनाई पड़ता था अगल बगल गांव को, और उस दिन से ही यहाँ पर 14 जनवरी को पूजा पाठ होता है, मेला होता है, एक पिकनिक वाला जगह भी है। और 14 जनवरी के दिन वो काली मंदिर में करीब 100-200 बकरा का बलि भी होता है। अभी भी पूरा मान्यता है, अभी भी यहाँ पर सबके श्रद्धा भाव से मांगने पर जरूर वरदान मिलता है, और जो अपनी मनोकामना को पूर्ण होता है तो यहाँ आके बलि बकरा करते हैं। कल करीब 200 से 300 बकरा का बलि होगा। पिकनिक के लिए भी एक नंबर जगह है, यहाँ पर आके पिकनिक भी मनाते हैं। ठीक है, ये जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं सब राजा का सैनिक लोग, बारात लोग हैं। कल 14 जनवरी को यह पूरा लाखों की संख्या में भीड़ रहेगा, मेला पूरा एकदम भरा हुआ रहेगा। आगे मेला का भी तैयारी में आदमी लगा हुआ है। देखिए इस मंदिर के पास में देखिए लिखा हुआ है बलि स्थल, कृपया शांति बनाए रखें। पूरा तैयारी में है एक बलि के लिए। लगा हुआ है यहीं पर, कल करीब 200 से ऊपर बकरा का बलि होता है। एक चीज़ है दोस्तों, जितना भी बाराती सैनिक जो भी है सब कोई देखिए एक कतार से ही पार होते हुए आ रहे थे। लाइट उट का भी व्यवस्था हो रहा है कल के लिए। होनी को कुछ और ही होना था, सारे लोग घर में इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ सब बाराती शिला बन गया। हाँ दोस्तों, आप लोग को बताने जा रहे थे, देखिए किस तरह एक पंक्ति बनाकर सारे बाराती
सैनिक लोग जो भी है, देखिए कितना अच्छा तरीके से उसको देखिए एक सीधा से पार हो रहे हैं। कल का 14 जनवरी का, कल 14 जनवरी का मेला के लिए तैयारियां चल रहा है। देखिए टेंट वेंट लगा हुआ है, हाँ पिकनिक के लिए भी एक नंबर जगह है। सत्य घटना पर आधारित है। फुसरो और पिछरी के बीच में है दामोदर नदी। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो।